नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड विधायक और राष्ट्रीय जनता सेना प्रमुख बलजीत यादव ने आज क्षेत्र के खातनखेड़ा, मिलकपुर, भिटेड़ा सहित दर्जन भर गांव में जनसंपर्क किया। इस दौरान उनके स्वागत में उमड़ी भीड़ को देखकर यादव ने कहा कि जनता ने इस बार बहरोड में काम के नाम पर वोट देने का मन बना लिया है। उन्होंने 5 साल में इतने काम करवाए हैं जो पिछले 71 सालों के कामों पर भारी हैं। भाई साहब, RGS एक नई नवेली पार्टी और आपका मुकाबला दो ऐसे दलों से है जो एक कांग्रेस है जो सबसे पुरानी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है देश की, किस तरह का मुकाबला मानते हैं? देखिए, मुकाबला किसी से नहीं है। बहरोड में एक तरफा चुनाव, बहरोड की 36 कौम की जनता ने तय कर लिया है कि वो हमारे बहरोड की पार्टी है राष्ट्रीय जनता सेना, जिसका चुनाव चिन्ह बैटरी टॉर्च है, उसको भारी बहुमत से जिता करके भेजने वाली है। 25 तारीख को जब वोटिंग होगी और 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, उस दिन आपको सारी चीज़ों का मालूम होगा। भाई साहब, कोरोना काल को निकाल दिया जाए तो आपका 2-2.5 साल का ही काम रहा, फिर भी आप सदन के सितारे बने। आप हमेशा चौपाल पे कहते हैं कि मेरे काम को और पहले वाले विधायक के काम को तराजू में तोलें। देखिए, मेरे जैसे मामूली आदमी को, पार्टियों को, सबको हरा के विधानसभा जनता ने भेजा। हमने जान लगाई कि हमारे बहरोड में विकास के काम, हमारा बहरोड जिला बना, जिला अस्पताल बना, 750 करोड़ की सड़कें आई, 55 अंग्रेजी स्कूल बने, 5 सरकारी कॉलेज बने, जितने भी काम थे, मंडी स्वतंत्र हुई, अस्पताल के लिए 41 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, मंडी के 50 करोड़ आए, मंडी अलग से बन गई, मानंद तहसील बन गई, ADJ कोर्ट बन गया, नगर परिषद बन गई, नगर पालिकाएँ 2-2 बन गई, अनेक काम हुए हमारे यहाँ पे। तो मैंने कहा कि मुझसे सामने जो लड़ रहा है, पहले वाला विधायक कई बार रहा, MP रहा, जिला प्रमुख रहा, मंत्री रहा, उसके भी काम देख लो और मेरे भी 2-2.5 साल के काम देख लो, फिर आप तुलना करके वोट करो। और कांग्रेस का कैंडिडेट है वो तो खुद ही वेंटिलेटर पे है, जमाने जब्ती कैंडिडेट है तो उसकी कोई वोट डालने का मतलब नहीं है, उसको वोट डालना मतलब कुएं में वोट डालना। भाई साहब, चुनाव में मैं 5-6 विधानसभा कवर कर चुका हूँ, कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं रघुवंशियों के ऊपर, कई लड़ रहे हैं यदुवंशियों के ऊपर, कई लड़ रहे हैं यादव और जाट के ऊपर, कई गुजर और अदर, कई मुसलमान और हिंदू, लेकिन बलजीत यादव एक ऐसा नेता है जो 36 बिरादरी की जय बोलता है हर चौपाल के ऊपर। देखिए, निश्चित रूप से मेरे ऊपर 36 कौम का आशीर्वाद है और मेरा ये मानना है, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसका ये धर्म होता है कि वो 36 कौम के लोगों का सम्मान करे और 36 कौम के लोगों को एक नज़र से देखे, यही उसका धर्म होता है। अगर ये पालन नहीं करता है तो निश्चित रूप से वो पाप का भागी होता है। आप 200 विधानसभाओं में दौड़े भी थे और बहरोड़ की एक बहुत हॉट सीट है, ऐसा लगता है सारे सर्वे आ रहे हैं कि कोई सी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा, क्या फिर से आपकी सितारे बुलंद हैं? देखिए, जनता है जो जनता बहरोड़ की, वो जीत के जाने वाली, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। और मैं ये कह दूं कि भाई मैं जीत के जा रहा हूँ, ये तो बहरोड़ की 36 कौम की जनता है, उसी की पार्टी है राष्ट्रीय जनता सेना, तो मेरे बहरोड़ की जनता जीत करके विधानसभा जा रही है, गारंटी से ये मैं आपको कह सकता हूं।